हेलो एवरीवान सो वी आर सोल्विंग एनसीआर ऑफ द चैप्टर से हमसे पूछ रहा है फीमेल गेमिटोफाइट के मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है सो लेट्स चेक द आंसर आंसर नंबर फाइव मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बेटा क्या होता है जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो बनता है मेगास्पोर मदर सेल से दैट इज एमएमसी इसमें होता है मियोसिस और बन जाते हैं हमारे फोर मेगास्पोर्स ये फोर मेगास्पोर्स लीनियर टेट्राड में अरेंज रहते हैं इस तरह से और जनरली मोस्ट ऑफ द एनजीओ में क्या होता है कि जो नीचे की तीन मेगा हैं, ये ट हो जाते हैं ये तीनों डी हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक मेगा सिर्फ एक मेगा स्पोर बनाता है हमारा फीमेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट के बनने के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मोनो मतलब वन स्पोरिक यानी स्पोर्स यानी चार में से सिर्फ एक मेगा स्पोर से फीमेल गेमिटोफाइट के बनने को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट सो लेट्स चेक द आंसर। आंसर सो नंबर फाइव इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर थ्री डी जनरेट ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इन टू द फीमेल गेमिटोफाइट डाटस एम्ब्रियोसाक This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed monosporic development so this was answer number 5 i hope it is clear to you thank you